आज मैं आपको पुशअप लगाने के एक ऐसे अद्भुत तरीके के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप उस तरीके से पुशअप लगाते हो और एक सही डाइट को फॉलो करते हो तो आप अपने बॉडी को पुशअप की मदद से ही 4 गुना तेजी से बढ़ा सकते हो। और आज मैं आपको जिस पुशअप के बारे में बताने वाला हूँ उस पुशअप को लगाते थे दुनिया के सबसे बड़े पहलवान राम मूर्ति जी। राम मूर्ति जी ऐसे ऐसे व्यायाम को करते थे, अगर आप उनकी तरह 1 महीने भी व्यायाम कर लेते हो ना तो आप अपने बॉडी को पूरी तरीके से बदल लोगे। तो अब बात करते हैं उस पुशअप के बारे में। लेकिन उस पुशअप के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पुशअप हमारी बॉडी को किस तरीके से बनाती है। तो देखिए, जब हम लोग पुशअप लगाते हैं तो स्ट्रेच के वजह से हमारे मसल्स के बीच छोटी छोटी दरारें आने लगती है, और जब हम लोग रेस्ट करते हैं और एक प्रोटीन से भरपूर डाइट को लेते हैं तो हम लोगों का बॉडी उन दरारों को धीरे धीरे रिपेयर करता है, उन दरारों को भरता है। और इससे होता क्या है कि आपका जो मसल्स है वो पहले के मुकाबले कुछ गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और जब आप इसी चीज को लंबे समय तक करते हो, रेगुलर करते हो, तो आपका मसल्स अच्छा खासा बढ़ने लगता है, आपकी बॉडी बनने लगती है। तो अब बात करते हैं उस पुशअप के बारे में जो राम मूर्ति जी लगाते थे। तो देखिए, ये कोई अलग तरीके का पुशअप नहीं है, बल्कि आप जो पुशअप लगाते हो वही पुशअप है, लेकिन इसे लगाने का तरीका अलग है। वो तरीका ये है कि आपको केवल 1 मिनट में एक ही पुशअप लगाना है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 मिनट में सिर्फ एक ही पुशअप लगाना है। आपको सबसे पहले धीरे धीरे 30 सेकंड के अंदर नीचे जाना है और धीरे धीरे 30 सेकंड के अंदर अपने बॉडी को ऊपर लाना है, और कुछ इस तरीके से आपको पुशअप लगानी है। और जब आप 1 मिनट में एक पुशअप आसानी से लगाने लग जाओ तो आपको धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाना है। यानी कि पहले आप 1 मिनट में एक पुशअप लगाते थे, अब आप कोशिश करना है कि 1.5 मिनट में एक पुशअप लगाएं और फिर इसे बढ़ाते बढ़ाते 2 मिनट कर दें और 2 मिनट में केवल एक ही पुशअप लगाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप एक पुशअप को 1 मिनट में लगाते हो तो उससे आपके बॉडी के बीच, आपके मसल्स के बीच बहुत ज्यादा स्ट्रेच आती है, जिससे आपके मसल्स में जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उसमें दरारें बहुत अधिक आने लगती है, और जिस वजह से आपका बॉडी उसे जितना ज्यादा रिकवर करता है आपके मसल्स उतना ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो अब मैं आपको 5 तरीके के पुशअप के बारे में बताता हूँ जिसे आपको हर दिन 2 से 3 बार ही लगाना है, लेकिन 1 मिनट में एक ही पुशअप लगानी है। नंबर 1, नॉर्मल पुशअप। देखिए, नॉर्मल पुशअप तो आप सभी को लगाना आता ही होगा, लेकिन आपको नॉर्मल पुशअप लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने बॉडी को स्ट्रेट रखना है, दूसरा बात कि आपको अपने कोहनी को दाएं बाएं नहीं लेकर जाना है बल्कि पीछे की ओर लाना है। नंबर 2, डिक्लाइन पुशअप। देखिए, डिक्लाइन पुशअप को करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों को किसी भी ऊंचे स्थान या फिर किसी भी बेंच के ऊपर रखना है, और फिर अपने हाथों को जमीन पर रखते हुए कुछ इस तरीके से आपको पुशअप लगानी है। देखिए, डिक्लाइन पुशअप जो होती है वो आपके बॉडी में और अधिक प्रेशर जनरेट करती है, और जिससे आपका बॉडी और भी तेजी से ग्रो होता है। नंबर 3, इंक्लाइन पुशअप। देखिए, इंक्लाइन पुशअप को करने के लिए आपको किसी भी ऊंचे स्थान या फिर किसी भी बेंच के ऊपर अपने दोनों हाथों को रखना है और अपने पैरों को जमीन पर रहने देना है, और फिर आपको कुछ इस तरीके से पुशअप को लगाना है। नंबर 4, क्लोज ग्रिप पुशअप। इस पुशअप को हम लोग डायमंड पुशअप भी कहते हैं। देखिए, क्लोज ग्रिप पुशअप को करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को पास पास लाना है और फिर आपको अपने बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए पुशअप को लगाना है, लेकिन ध्यान रहे कि आप 1 मिनट में 1.5 मिनट में केवल एक ही पुशअप लगाने का कोशिश करें। आप जितना ज्यादा धीरे पुशअप लगाओगे आपका बॉडी उतना ही तेजी से ग्रो होगा। 5, वाइड ग्रिप पुशअप। देखिए, इस पुशअप को करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को कंधे से काफी ज्यादा दूरी बनाकर रखना होता है, फिर आप जिस तरीके से पुशअप लगाते हो उसी तरीके से आपको पुशअप लगानी होती है। तो ये 5 तरीके के पुशअप थे जिसे अगर आप राम मूर्ति जी के तरीके से लगाते हो तो आप अपने बॉडी के साइज को, अपने मसल्स को 4 गुना तेजी से बढ़ा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि इन पुशअप का फायदा आपको तभी होगा जब आप एक सही डाइट को फॉलो करोगे, अपने खान पान को सही रखोगे। बॉडी बिल्डिंग में डाइट नंबर 1 पे आती है, और इसके बाद ही आपका वर्कआउट
जो भी एक्सरसाइज है वो आती है। तो आपको अपने बॉडी को बनाने के लिए, अपने वजन को बढ़ाने के लिए डाइट में क्या क्या लेना चाहिए, इसके ऊपर मैं बहुत जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगला वीडियो मैं जब भी लाऊं आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।